बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोस्तों को बताएंगे कि क्लास 9 में रीएडमिशन कैसे करवा सकते हैं, जी किन सूरतों में आप क्लास 9 में दोबारा बैठ सकते हैं। इसके लिए तीन सूरतें हैं जिससे आप क्लास 9 में दोबारा जो है वो बैठ सकते हैं। पहले नंबर पे अगर किसी स्टूडेंट्स ने एडमिशन भेजा है और उसने एग्ज़ाम नहीं दिए, अगर किसी तालिब इल्म ने एडमिशन भेजा है और एग्ज़ाम नहीं दिए, इस सूरत में भी वो स्टूडेंट दोबारा क्लास 9 में बैठ सकता है। पहले और दूसरे नंबर पर यह है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने इम्तिहान भेजा था लेकिन वो फेल हो गया है, उस सूरत में भी स्टूडेंट जो है दोबारा क्लास 9 में बैठ सकता है। दूसरी और तीसरी सूरत में अगर कोई स्टूडेंट्स ने एडमिशन भेजा था और वो पास भी हो गया है लेकिन वो रिज़ल्ट जो है उससे मुतमईन नहीं है, तो इस सूरत में वो क्लास 9 दोबारा कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है कि उसको बोर्ड के डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी कि मैंने क्लास 9 फलां रोल नंबर से पास किया है, अब मैं दोबारा क्लास 9 में बैठना चाहता हूं और मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो उसको अपना रिजल्ट पहले कैंसिल करवाना होगा। उसकी एक फीस भी है, हर बोर्ड की अपनी एक प्रोसेसिंग फीस है, वो फीस भी पे करनी होगी। अपना रिजल्ट कैंसिल करवाने के बाद फिर वो बच्चा दोबारा क्लास 9 में बैठ सकता है। इन तीन सूरतों में स्टूडेंट जो है दोबारा क्लास 9 में बैठ सकता है। क्लास 9 में रीएडमिशन का जो तरीकाकार है वो यही है। ये तीन सूरतें आप ऐसी हैं जिसमें आप क्लास 9 जो है वो दोबारा कर सकते हैं।